तो जो है कि आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरीके से हो रही है। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और यहाँ पे अभी बारिश हो रही है, ये आप देख सकते हैं। इसलिए मैं छाता के नीचे हूँ और आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है, वह मैं आपको बता देता हूँ। आज है 5 तारीख। जी हाँ, सही सुना आपने, आज 5 है और आप ब्लॉग देख रहे हैं 8 तारीख को। वो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो है कि 2 ब्लॉग पेंडिंग है। मैं डेली ब्लॉग करता हूँ, ये आप सब लोगों को बता कि मैं डेली ब्लॉग करता हूँ, और जिस दिन मैं ब्लॉग नहीं कर पाता हूँ तो वो वजह रहती है, इंटरनेट नहीं रहता है। तो मेरे पास जो है कि मैं डेली ब्लॉग करता हूँ, ब्लॉग डेली शूट करता हूँ, लेकिन अपलोड नहीं कर पाता हूँ, वो नेटवर्क की वजह से नेटवर्क नहीं रहता है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पाता हूँ। तो पिछले 2 दिनों के ब्लॉग मेरे पास पड़े हुए हैं। एक दिन पिछली बार भी नेटवर्क गया था और कल परसों भी जो है कि नेटवर्क गया, तो 2 दिन मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया। लेकिन ब्लॉग जो है मैंने शूट डेली किए, तो जो ब्लॉग शूट किए हुए हैं उनको मैं ऐसे नहीं स्किप कर लूँ, क्योंकि उन पर भी मेहनत हुई है तो ब्लॉग डालने भी जरूरी है। तो इसलिए जो है कि मैं 2 दिन पीछे चल रहा हूँ, इसलिए 2 ब्लॉग मेरे पास पेंडिंग हो गए। अभी सुबह से मैंने कुछ भी जो है कि ब्लॉग नहीं किया, कि मेरे को था कि 2 ब्लॉग मेरे पास पेंडिंग है अभी, तो मॉर्निंग को क्या शूट करना है। अब मॉर्निंग के जो है कि हमने आज सोल्टे भी नहीं बनाए, क्योंकि हमारे पास रिंगाल भी ख़त्म हो चुकी है, जो सोल्टा बनने थे वो पूरे बन गए हैं। आज सुबह में जो है कि ब्लॉग एडिट हुआ, अभी शाम के टाइम पर सोचा था मोटो ब्लॉग करेंगे, क्योंकि जो हमारा माइक है नया माइक जो हमने 9 से 5 से मंगाया था वो भी आ गया है। अभी अनूप शर्मा जी के पास माइक है, अभी चलते हैं मार्केट में, उनसे मिलते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, और ये ब्लॉग जो है आप देख रहे हैं 8 तारीख को, और 9 तारीख को हमारे बर्थडे भी है। सोचे पे यह भी हो जाएगा, 9 तारीख को हमारे बर्थडे है 9 अगस्त को, और मैं सोचता कि ब्लॉग आज 5 तारीख आज ही बताना आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ब्लॉग 8 तारीख को आएगा, फिर आपको मैं शायद बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि बर्थडे का ब्लॉग आपको देर में मिलेगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे फिर। तो 9 तारीख को बर्थडे है और आज 8 तारीख है, और आज है 5 तारीख। तो ब्लॉग के हिसाब जो है आज 8 तारीख है, और डेली ब्लॉग के हिसाब से आज 5 तारीख है। आप थोड़ा समझ लीजिएगा, जो ब्लॉग यूट्यूब पे अपलोड हुए हैं उनके हिसाब से आज 8 तारीख है, और जो ब्लॉग जो है कि मैं शूट कर रहा हूँ उसके हिसाब से आज 5 तारीख है। तो अभी चलते हैं मार्केट में इस हैवी रेन में। भाई साहब, अभी शाम का डेली है कि डेली जो है कि बारिश हो ही रही है, और ऐसी वैसी बारिश नहीं हो रही, और बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। तो मिलते हैं, अभी अपना माइक रिसीव करते हैं। हमने सोचा यह था कि मोटो ब्लॉग होगा, लेकिन बारिश ने सारा काम खराब कर दिया, और मैंने माइक भी टेस्ट कर लेते हैं, आपको भी मोटो ब्लॉग देखने को मिल जाता, लेकिन जो है कि बारिश ने सारा काम जो है कि ख़राब कर दिया है। और आज भी जो है कि मतलब सुबह से लाइट नहीं थी, और लाइट नहीं थी तो 2 बजे तक जो है कि नेटवर्क भी नहीं आया, तो जियो का नेटवर्क 2 बजे आया सुबह से, आप सोच सकते हैं। ऐसे में कैसे वीडियो अपलोड होगा? वो तो अच्छा हुआ मैंने कल ही वीडियो अपलोडिंग पर लगा दिया था, और कल ही सब चीज़ शेड्यूल करके रख दिया था, मेरे को पता था कैसा कुछ होने वाला है। आज का ब्लॉग मैंने एडिट करके रखा हुआ है, मुझे उसको एक्सपोर्ट करना है और अपलोडिंग पर लगाना है, ये ना हो कि हमारा फिर से पोपट हो जाए। डेली ब्लॉग के चक्कर हम 3 दिन पीछे चले जाए, तो ये नहीं चाहते हम। ठीक ठीक तो गधेरे देख लीजिए आप, यहाँ गधेरे आना स्टार्ट हो गए हैं। तो आजकल की बरसात का यही है, मतलब बहुत तेज़ बारिश हो गई, बहुत ही कम टाइम में बहुत तेज़ बारिश आती है, और सारे ऐसे गधेरे ले आती है। तो जहाँ डर जो है कि इन्हीं में रहता है, इन गधेरों में, क्योंकि अचानक आ जाते हैं, और भाई साहब बहुत खतरनाक रूप ले लेते हैं फिर बाद में। ये देख लीजिए भाई साहब, यहाँ ऊपर से मतलब यहाँ तो गधेरा आता भी नहीं है, जहाँ पर गधेरा आता है वहाँ पर कितना पानी आ रहा होगा ये आप सोच सकते हैं। और ये आपने पिछले से पिछले वाला ब्लॉग में देखा होगा, इसमें कितना पानी आया हुआ गधेरों में। तो कितने दिनों के बाद गली में चांद निकला? लगभग 2 हफ्ते बाद। हाँ, तो वैसे पहले मिल चुके हैं एक बार, अभी कैमरे के लिए मिल रहे हैं। हाँ। और हमारा जो है कि माइक था इनके पास, ये छाता में कर दे, ये है ठीक है। अब कहाँ है? अंदर 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 है। जे माउंट का क्या है? तुमने बहुत ज्यादा लिया है, नहीं तो मेरे को एक ही दे दो बस, जे माउंट ठीक है। इनको रहने, फिर मैं इसको कर दूंगा वापस जब भी मेरा आएगा, ठीक है ना। हाँ। जिस माइक की बात कर रहा था काफ़ी टाइम से, उधर नमस्ते पहाड़ के पास, नमस्ते पहाड़ ने जो है कि उसको ऑनलाइन में मंगवाया और रिसीव भी किया, तो वहाँ से जो अनूप शर्मा जी गांव तक लेके आए, तो थैंक यू आपका भी, और थैंक यू नमस्ते पहाड़ का भी, जिन्होंने माइक रिसीव किया और माइक जो है कि ऑनलाइन मंगवाया भी। पैसे पूछे की बात फिर बाद में कर लेंगे, जब होता रहेगा। तो जे माउंट जो है अभी अगस्त में पहुँच गया या अभी आएगा? अभी अगस्त में नहीं पहुँचा, वो पहुँचा है नमस्ते पहाड़ के पास, लेकिन बात यह है कि वो अभी घर में नहीं है। ठीक ठीक ठीक। अभी पहुंचता है फिर जे माउंट भी ले आएंगे, अभी हमने उधार का जे माउंट जो है कि
अनु भाई से लिया क्योंकि मेरा जिम अमाउंट जो है टूट गया, उसका एक दांत था ये वाला टूट गया, पूरा टूटा, एक दांत टूट गया ना, क्यों मतलब क्या हुआ था ऐसे? ये तो बहुत पक्का लग रहा है यार, लग रहा है ना पक्का, ये वाला पक्का, मेरा वाला नहीं है पक्का, वो टूट गया। कोई नहीं, जब तक नहीं आता तब तक इसको रख ले, हां जुगाड़ तो करना है फिर, कुछ ना कोई दिक्कत नहीं। ये तेरा माइक हो गया, ये माइक हो गया। आई एम सोच रहे थे हम ये मोटर ब्लॉक करने की सोच रहे थे, लेकिन लाइट तो अभी लाइट बता रहा है, मतलब अभी बारिश हो रही तो ऐसे मोटर ब्लॉक कर नहीं सकते आज, अभी नहीं मतलब कल कर देंगे, कोई देखेंगे जब भी देखेंगे। माइक हमारे पास पहुंच गया, तो बेसिकली तेरे को नीड ये था कि तब तू मोटर ब्लॉक कर पाए, इसके लिए जे माउंट चाहिए था ना, जे माउंट और माइक चाहिए था, माइक चाहिए था कि माइक हमारे पास था नहीं। हाँ तो उसके टेस्ट और इसको टेस्ट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे फिर जब भी बीदा होगा, बीदा होगा जब भी बीदा होगा, बीदा मतलब मौसम साफ होगा, बीदा हमारे लैंग्वेज में। ये रही अनूप सेवाल जी की बाइक, यहाँ पे थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन की गई है, ब्लॉग में मैंने देख लिया, आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन सामने से देखने कुछ अलग ही लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ जय सत्यवी नारायण और अनूप सेवाल जी यूट्यूब चैनल का नाम है और ये लोगो यूट्यूब का, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है फिलहाल के लिए किया हुआ मैंने अभी, अगर देहरादून जाऊँगा कभी तो इसको और अच्छे से करेंगे 3D में, ओहो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने देखा अगस्त में मैं जब चल रहा था तो लोग देख रहे थे, लोग नोटिस कर रहे थे, लोग तो नोटिस करेंगे करेंगे अच्छा लग रहा था। तो अभी हम भी सोच रहे हैं जब भी टाइम मिलेगा, अभी जब भी हम जाते रहते हैं हमको टाइम नहीं, फिलहाल के लिए ना मैं तो ये बोलता हूँ बाइक चलाने का सीन हो ही नहीं रखा, ऐसा रास्ता होता मैं जिस दिन जा भी रहा था उस दिन मेरे साथ रवि था और आते समय सौरभ था मेरे साथ, तो भाई पीछे बैठे हुए बल भाई पांव नीचे रखना, मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, कीचड़ कीचड़ में रास्ता ही बहुत ही गंदा है, फिलहाल तो नहीं भी हो जाए ना कोई दिक्कत नहीं यार, अगर ऐसे रास्ते में पत्थर तो गिर ही रहे हैं हर जगह पे, लेकिन काम है तो फिर जाना तो पड़ेगा ही, जब अगर मौसम सही लगा, जब थोड़ा सा रहा कि रोड सही है तो तब तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि तो अगले काम है वो तो निपटाना ही है, वो तो निपटाना ही है, तो मिलता है फिर आपको बहुत जल्द, बहुत जल्द, अभी तो बस घूमने चलते हैं, घूमने ही चलना, थोड़ा बहुत चलेंगे बाकी, अब बारिश तो हो ही रही है, बारिश कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकती, अभी यहाँ से भी गधेरा आ सकता है, अभी कुछ भरोसा नहीं, कुछ भरोसा नहीं। The next day. निटोरे सरेल तेरा निटोरे परान, ये निर्दय तुई मां क्या माया लान, छोटा छोटा मेरा हाथ अब नहीं कर दो तुमसे बात, बोला चिट्ठी के लेनी भेजी आला गया था पाव, मेरी मम्मी गैस ले जा रही है, बारिश बहुत जोर हो रही है, साढ़े आठ हो रहे हैं और यहाँ आप बारिश देख सकते हैं, सुबह से बारिश हो ही रही है, तो अभी मम्मी भी निकल गई है जंगल में घास के लिए, क्योंकि घास के लिए तो जाना है क्योंकि हमारी गाय भैंसें भी है तो उनके लिए घास भी लेना होता है, तो मम्मी चली गई है जंगल में। तो अभी आप जो इसके बाद क्लिप देखने वाले हैं वह कल शाम को हमने जो रिकॉर्ड की थी, जो हमने माइक लिया था, हमने दुकान में थोड़ा रिकॉर्ड किया था कि माइक पे आवाज आ रही है नहीं आ रही है, तो एक बार देख लीजिए आप, 1 2 3 माइक हम टेस्ट कर रहे थे लेकिन उसमें जो की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, तो हम डर गए, हमने 2-3 बार चेक किया लेकिन माइक नहीं चला, तो मेरे को लगा 550 रुपये गए, उसके बाद मैं घर में आया, फिर मैंने जो है कि GoPro से जो है कि ऑडियो इनपुट की जो है कि उसका जो है सेटिंग चेंज की, उसके बाद मैंने अडेप्टर वो लगाया, माइक लगाया, तो उसके बाद काम कर रहा है, क्योंकि उसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है, मेरे पास जो पुराना माइक है भूया का माइक BYMM, उसको जो मैं ऐसे लगाता हूँ, उसे डायरेक्ट लगाता हूँ बिना कोई सेटिंग चेंज किए, तो वो चल जाता है, लेकिन जो ये दूसरे माइक हैं, जो माइक जो है कि मोटर ब्लॉगिंग में यूज़ होते हैं, उनके लिए सेटिंग चेंज करनी पड़ती है, उनकी सेटिंग चेंज की, तो अभी चल रहे हैं, थोड़ा तसल्ली मिली इसको, यार काम कर रहा है, तो अभी देखते हैं जाते कहीं, 10 तारीख का प्लान है वैसे, 10 तारीख का हमारी डेट है RTO में, 10 तारीख को चलेंगे और आपको भी ले चलेंगे, मोटो लोग देखते हैं कैसा हो पाता है, अभी थोड़ा सेटअप और करना हो उस पर, तो आपको मिलेंगे एक मोटो ब्लॉग के साथ, फिलहाल के लिए तो हम घर ही में हैं। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं, आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया हो, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी पार्टनरशिप ब्लॉग देखने के लिए, अभी लाइट नहीं है तो इसलिए ऐसे ब्लॉग करना पड़ रहा है, तो ये ब्लॉग कोई भरोसा नहीं है, ये शायद 9 तारीख को भी आ सकता है, वैसे हम 8 तारीख बोल रहे हैं, क्या पता 9 तारीख को आ जाए ब्लॉग, अगर लाइट नहीं रही कल तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा, क्योंकि नेटवर्क नहीं रहेगा, तो अभी जो है कि वीडियो को एडिट में लगाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, अभी जो है कि अपलोडिंग में भी लगाते हैं, मॉर्निंग का कोई भरोसा नहीं है, अभी देखते हैं जो भी होगा।
Thank you.